हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू YouTube चैनल SSC कोर। इस वीडियो में स्टेनोग्राफर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो चीज़ें आपके काम की है वो सारी समझा दूंगा। पोस्ट प्रेफर आपको कौन सी करनी है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, लोएस्ट और हाईएस्ट ये डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं पहले मैं उन्हें बता देता हूँ, जो हमारे को नहीं जानते उनको, कि हम इस वीडियो में आपके साथ क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो डिस्कस होगी, ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी वाइज रैंक आपको बताई जाएगी, इस रैंक के बिहाफ पर ही जो है वो सारा डिसाइड होगा कट ऑफ क्या जा सकती, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर वैकेंसीज कितनी थी, अब कितनी है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, स्टेट वाइज जो है मेजर डिपार्टमेंट उनकी क्या क्या है। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपकमिंग है उनके लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल पर, पहले उन्हें बता दूं कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आगे एग्ज़ाम्स के लिए तो टेस्ट बुक का पास खरीद सकते हो। इस पास के थ्रू आपको जो है लगभग 600 एग्ज़ाम सारे कवर हो जाएंगे, स्टेनो के कवर हो जाएंगे सब कुछ। आपको कोड यूज़ करना है SCR, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसी चीज़ है जिसे देने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप कहाँ वीक है कहाँ स्ट्रॉन्ग है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो GK का अलग, हर टाइप से लीडरशिप बोर्ड जनरेट होगा जहाँ पर आपको चीज़ें जो है समझ आएंगी, आपकी रैंकिंग, आप किस रैंक पर स्टैंड करते हो। ठीक है, अभी जो पास का रेट है आप देखोगे 270 रुपये हो गया है बस, ये साल भर का है, महानवरात्रि सेल है। इसमें आपको एक लकी विनर को मारुति एस्प्रेसो दी जाएगी और हर घंटे स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। तो आपको कोड यूज़ करना है SCR, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ 28 से 30 सितंबर तक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जिस रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे हम डिसाइड करेंगे स्टेनोग्राफर का, देखिए गाइस, उस रैंक में जो ग्रेड डी की बात है पहले उसको देखेंगे। यहाँ पर जो ऑफिशियल आया है हमारे पास, वहाँ 148 नंबर पर इन्होंने बोला है UR की रैंक 479 है। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक जो बन रही है वो 904 है, यानी आप अगर 148 नंबर स्टेनो के पेपर में लाए हो 2020 में, तो आप 904वीं रैंक पर हो, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है UR कैटेगरी में। ठीक है, EWS में रैंक ये है। हमने अपनी जो बेस्ड ऑन रिग्रेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं, इस बार सैंपल हमने सिर्फ कट ऑफ लिया है, ये फॉरकास्टिंग के लिए टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, इससे नीचे में आप देखोगे रैंकिंग क्या है आपकी, 587-800, मतलब UR का चांस ही नहीं है यहाँ से नीचे। UR की सीट्स 361 है, तो कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, लगभग इस रेंज को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ये आपकी रैंकिंग चार्ट है। हम टेलीग्राम पर भी हैं SSC Core 123 नाम से, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, अभी तो जस्ट शुरुआत है, इसमें सारा कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अब ग्रेड सी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 2020 की, यहाँ पर 157 पर 111 रैंक है आपकी। ठीक है, इस रैंकिंग को बनाने में, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा हार्ड वर्क दोनों लगे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ एक से हो जाता। ठीक है, अब 160 नंबर पर आप देखोगे जहाँ पर 3 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ, वहाँ पर 80 रैंक लगभग दिखा रहा है। ठीक है, 44 के लगभग UR की रैंक दिखा रहा है, इसी प्रोग्रेसिव रेशियो में ये मूव ऑन कर रहा है, यानी कि 164 पर लगभग 55 कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब ये AIR है आपकी। UR की रैंक यहाँ पर 30 होगी, EWS की लगभग 5, OBC की 19, इससे हमारा डिसाइड होगा कि MEA की कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, तो मैं जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करता हूँ वो रैंक के बिहाव पर, प्रीवियस ईयर ट्रेंड के बिहाव पर और वैकेंसीज के बिहाव पर करता हूँ, तो ऐसे नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट। ठीक है, स्टेनोग्राफर 2018 प्रीवियस ईयर, स्टेनोग्राफर 2019 प्रीवियस ईयर, 20 की हम प्रिडिक्ट करेंगे अभी। तो वैकेंसीज भी इनके साइड में ब्रैकेट में लिखी है, ये अब की वैकेंसी ब्रैकेट में, ये अब की है। ठीक है, और ये 260 आप देखोगे 2018 की थी सबसे ज़्यादा, उस टाइम पर ग्रेड सी की कट ऑफ काफ़ी कम गई 148, उसके बाद 165 जब 15 सीट थी, अभी 144 है। और जैसा अभी मैंने आपको पीछे दिखाया ग्रेड सी में, यहाँ पर आपके 54 कैंडिडेट हैं 157 पर और 44 80 पर हैं, यानी 160 पर, तो लगभग कट ऑफ इसको क्रॉस करेगी। क्यों करेगी, काफ़ी कैंडिडेट को ये डाउट होगा ऐसा क्यों करेगी, जब हमारे पास उतने कैंडिडेट 160 पर है तो 62 क्यों जाएगी,
क्योंकि माय डियर फ्रेंड ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो इसको ऑप्ट ना करके ग्रुप ग्रेड डी को ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, जिनको पता होगा वो शायद ऑप्ट नहीं करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है जो पूरे करियर को उलट पलट कर सकता है। आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको हमसे कुछ जानना है, इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हो, फॉलो करना ना भूलना हमें, ठीक है, जिससे आपके क्वेरी डाउट मैं रिजोल्व कर पाऊँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में कुछ कैंडिडेट प्रेफर नहीं करेंगे जिनको उनकी वैकेंसी लोकेशन पता लग गई है। इस वीडियो में मैं कुछ स्टेट की वैकेंसीज आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी ये पोस्ट को कैसे भरना है आपको कुछ हद तक, ठीक है। तो 162 के लगभग ये कट ऑफ जा सकती है आपकी, और ओबीसी की 160 के लगभग जा सकती है, ये बात कर रहे हैं हम ग्रेड सी की, और 154 के लगभग एससी कैटेगरी, एसटी की 127, 160 ईडब्ल्यूएस। ये सारा का सारा चीज प्रेडिक्शन डेटा रैंक और वैकेंसी और आपकी लास्ट ईयर पैटर्न पर है। नथिंग इन दिस इज फैक्चुअल, नथिंग इज दिस इज फिक्शीशियस, ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्शीशियस नहीं है, फिक्शीशियस क्रिएट नहीं करा गया है, सब कुछ फैक्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ग्रेड डी में, अब ग्रेड डी में 152 नंबर कट ऑफ जाने के चांस है, वो फिर से रैंकिंग पर है, जो रैंकिंग चार्ट मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि 361 जहाँ पर रैंक बन रही है वो लगभग कहाँ होगी, 152 के आसपास। तो कट ऑफ जो ग्रेड डी की जाएगी वो 152 के अराउंड जाएगी, 149 ओबीसी में जानी है और 143 एससी में जानी है, 120 एसटी में, 147 इसमें ईडब्ल्यूएस। ओएचवीएच की भी हमने प्रिडिक्ट करी है, तो आई होप इट गोज वेल। ईएसएम की इसलिए नहीं करी है क्योंकि लास्ट ईयर ट्रेंड में देखा गया था सिर्फ एक ही वैकेंसी भरी गई थी, इतनी इतनी वैकेंसीज में से, मतलब एक्स सर्विसमैन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं टाइपिंग को, ठीक है। ग्रेड डी में प्रीवियस ईयर की आप देख सकते हो ये कट ऑफ थी। प्रीवियस ईयर दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो लोग आइडिया ले लें जिनको समझ नहीं आ रहा है, जो ये सोचते हैं कि कट ऑफ शायद कम जाए या बहुत ज़्यादा जाए, तो इससे आप एक रफ आइडिया ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूं जो हमने वैकेंसीज के बारे में आपको बोला, तो ये अभी 2020 की लेटेस्ट एसएससी की साइट पर है। यहाँ पर एमईए की वैकेंसी सिर्फ इतनी है, ठीक है, 3, 4, 1, 12, जिसकी वजह से ये चार्ट एमईए की कट ऑफ को 171 बनाता है, ठीक है। 171 एमईए की कट ऑफ जाएगी, इससे कम नहीं जानी चाहिए। ओबीसी की भी इतनी जाएगी, एससी की इतनी, और ईडब्ल्यूएस की 168। लास्ट ईयर्स में भी लगभग 170 का बैरियर क्रॉस करा है, बट उस टाइम वैकेंसीज कम होती थी, 1, 4, इस बार 12 है, तो थोड़ा सा कम हो सकती है, ठीक है गाइस। अब मैं बात करूं अगर स्टेनोग्राफर आपकी जो कंप्लीट ग्रेड डी की वैकेंसीज है उनके बारे में, यहाँ पर मेजर जो रिपोर्ट कर रहा है वो इनकम टैक्स है। लगभग आप देखोगे 361 जनरल में से 1/3 इनकम टैक्स के अंदर है, पर इनकम टैक्स में स्टेनोग्राफर की एक अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है। इनकम टैक्स को टेक्निकल काम भी दिया जाता है, तो कैंडिडेट इसको प्रेफर करते हैं जिनको नॉलेज होती है। उसके बाद डीओपीटी है, फिर 1/3, यानी कि आप देखोगे लगभग जनरल की जो है आपकी 160 वैकेंसी 360 में से अच्छी वैकेंसीज हैं, जो दिल्ली में भी है और इनकम टैक्स में है। उसके बाद कैग ने अच्छी रिपोर्ट करी है इस बार 50, कैग भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, ये सारे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट करी है। पोस्टल कोस्ट गार्ड इनकी कम आई है, आईबी की थोड़ी सी है इस बार, पोस्टल की कम है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो आप देखोगे लगभग टोटल 361 है, 750, तो अच्छी वैकेंसीज हैं फिर भी मैं यही बोलूँगा। अब जो मैं स्टेट वाइज की बात करूँ, कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज इनकम टैक्स स्टेनोग्राफर जिसकी मैं बात कर रहा था, तो आप देखोगे दिल्ली में लगभग 99 है, जनरल की हाफ वैकेंसी दिल्ली में है, उसके बाद जयपुर में है, तो कैंडिडेट अच्छा खासी वैकेंसी नॉर्थ में सिक्योर कर सकते हैं एक इस पॉइंट से, ठीक है, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, अगर वीडियो आपके काम की है तो, जो कि बनाई गई है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। आई माई सेल्फ आर सेलेक्टेड इन द एक्साइज इंस्पेक्टर और होम टाउन दिल्ली जोन के अंदर, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और सपोर्ट कर सकते हैं चैनल की ग्रोथ के लिए। बात करूं मैं पोस्टल डिपार्टमेंट की, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में आप देखोगे ये स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, टोटल अभी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ सारी। लीस्ट कट ऑफ पोस्टल और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस की गई हुई है, जो मेल के लिए होता है, पोस्टल सबके लिए, तो लीस्ट कट ऑफ इस डिपार्टमेंट की आपको देखने को मिलेगी 152। तो वो कैंडिडेट ध्यान दें इन वैकेंसीज पर जो लीस्ट 150 के आसपास हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर हाउसिंग एंड अर्बन की, तो हाउसिंग अर्बन की स्टेनोग्राफर की हमारे पास आ गई है,
चंडीगढ़ में 2 हैं, मुंबई में 3 हैं, कोलकाता में 5 हैं। डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ये कि आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज पता हो। फिर इम्पोर्टेंट ये है आपको कट ऑफ का एक रफ आइडिया हो। फिर इम्पोर्टेंट ये है आपको प्रीवियस ट्रेंड पता हो। फिर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट ले जाने। तो आपको अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अपनी आईडी कार्ड, अपनी 2 फोटो और अपना जेरोक्स सेट 2 लेके जाने हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो गाइज ये जिनको भी कुछ डाउट हो वो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पर चैनल ये है, इसे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।